आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हिमांशु अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। हरिद्वार में कुछ दिन पूर्व कंपनी वर्करों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर कंपनी वर्करों द्वारा कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। मामला हरिद्वार जिले के डेंसो चौक IP2 का है, जहां कंपनी ने अपनी मनमानी के चलते लगभग 200 वर्करों को कंपनी में आने से मना कर दिया था। इसी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन होने के कारण वर्करों के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा है और इन सभी के घरों में खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। इसी बीच सरकार द्वारा आदेश अनुसार जितने भी कंपनी वर्कर हैं, उन सभी को हर महीने की सैलरी देना अनिवार्य है, लेकिन शायद वर्करों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। कंपनी वर्करों का कहना है कि ना तो कंपनी स्टाफ सुनने को तैयार है और न ही प्रशासन। तो तुम्हें कह रहा है कि एडवांस के तौर पे है, जो जिसकी जो शिकायत हो अपना वहाँ लिख के दे दे, उसके बाद बात करेंगे। अब ये थोड़ी ना कि तुम यहाँ पे हंगामा करना शुरू कर दो, उसके बाद जिनको जिनको भी तनख्वाह मिली है, जब 8 दिन के एक्स्ट्रा मिले, उस दिन क्यों नहीं आके खड़े हो गए कि साहब हमको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे दिए? सरकार का आदेश था, वो भी सरकार का आदेश था जी। सरकार ने कहा है आदेश है, वो आदेश कुछ नहीं है। इसी कंपनी ने दिया क्या? सबने दिए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं मिलने का। बस भाई तुम्हें बता दिया गया तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। आधे घंटे रुक जाओ, मार्च वाले के बाद ठीक है। फिलहाल मैं HR से भी बात करूंगा, अभी मिल सकेगी अभी नहीं तो कल तक तो आई जल्दी पास हो ठीक है। मार्च की कोई दिक्कत अगर ऐसी कोई समस्या किसी की है, अगर गलती है थोड़ा पीछे पीछे होया भाई, थोड़ा मार्च के लिए